हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी फेसबुक से अपने डाटा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका फेसबुक पे डाटा, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप चैट है, पोस्ट है, उसको आप कैसे अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं अपने सारे डाटा को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो फेसबुक से डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है। मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है। आपको अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। मैंने इसमें एक डमी अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है आपको सिखाने के लिए। उसके बाद आपको ये 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूअर फेसबुक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपको डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं आप यहां से फेसबुक की जो भी आप डाटा यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं वहां ये लिस्ट आ गई है आपके सामने। यहां से मैसेज आप कर सकते हैं, सेव्ड आइटम्स, कलेक्शंस, पोस्ट, पेजेस, पोल्स, इवेंट्स, फेसबुक गेमिंग। आप जो उनसा नहीं करना चाहते वो यहां से आप इनके सामने अनटिक कर सकते हैं। जैसे इवेंट के सामने मैंने अनटिक वाले पे क्लिक किया तो वो अनटिक हो गया, वो डाउनलोड नहीं होगा। अगर हम टिक कर देंगे तो ये भी डाउनलोड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, स्टोरीज भी हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, ग्रुप्स, योर प्रोग्राम रिपोर्ट्स, सारी चीज़ हैं यहाँ पे। रिव्यू जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, आपको जो डाटा चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डाटा रेंज का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऑल माय डाटा, सारा डाटा करना चाहते हैं या डाटा रेंज लगाना चाहते हैं। डेट रेंज है ये, डेट रेंज लगाना चाहते हैं। डेट रेंज में आप डेट डाल सकते हैं आपको किस डेट से किस डेट का चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद यहाँ मीडिया क्वालिटी है, जो मीडिया यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसकी क्वालिटी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट फाइल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी फ़ाइल बन गई है। ये अभी पेंडिंग में है, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी और आप इसे फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जैसे ही वो पेंडिंग अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा तो आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक के डाटा को अपने फ़ोन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक के डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।